नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से नए वीडियो के साथ। जैसा कि आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं हमेशा के लिए दोस्तों, तो यही आज मैं बताने वाला हूं। आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, फुल देखना है, पूरा वॉच करना है, तभी आप समझ पाएंगे कैसे ट्विटर अकाउंट को डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ट्विटर अकाउंट जो है ओपन कर लेना है। ट्विटर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, जैसे आपको मेरा यहाँ पर लॉगिन है, आपको अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे सिंपली यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर अपने प्रोफाइल पर चले जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर जैसे ही जाएंगे यहाँ देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर साइड थोड़ा तो सेटिंग एंड प्राइवेसी सेकेंड एंड सपोर्ट का ऑप्शन आएगा नीचे, तो हमें सेटिंग एंड सपोर्ट पे चले जाना है। सेकेंड एंड सपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे नीचे एक सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन खुल करके आएगा, तो हमें सेटिंग एंड प्राइवेसी पे चले जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी जैसे जाएंगे, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आने के बाद यहाँ देखेंगे योर अकाउंट ऊपर आ रहा है हमारे में, आप में भी आएगा योर अकाउंट का ऑप्शन, तो इस पर हमें क्लिक करना है। योर अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे आ रहा है नीचे सबसे चौथे नंबर पर डीएक्टिवेट अकाउंट, फाइंड आउट हाउ यू कैन डीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पर मैं देखे सबसे नीचे डीएक्टिवेट मतलब डिलीट करने के लिए आपका यह नीचे वाले ऑप्शन पे आ रहा है। जैसा कि दोस्तों, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, ये इसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे फारगेट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आपको डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर सब हमें नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, डीएक्टिवेट अकाउंट पर। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर जो है कि बहुत सारे मतलब इन्फॉर्मेशन लिख करके आया हुआ है, आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं, कहाँ है, मतलब ये सब लिख कर मतलब पढ़ने के लिए आ गया, आप पढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात आपको एक बात और दिखा देना चाहता हूँ, ट्विटर अकाउंट बहुत लोग डीएक्टिवेट तो कर देते हैं लेकिन उन लोगों का डिलीट नहीं होता। क्यों डिलीट नहीं होता, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये व्हाट इल्स यू शुड नो, तो यहाँ पर कह रहा है यू कैन रिस्टोर योर ट्विटर अकाउंट इफ़ इट वॉज एक्सीडेंटली और रॉन्गफुली डीएक्टिवेट फार अप टू 30 डेज आफ्टर डीएक्टिवेशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप डीएक्टिवेट अकाउंट कर देते हैं तो आपको 30 दिन तक आपको अपना ट्विटर अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, अगर लॉगिन कर देंगे तो फिर से आपका सभी डाटा और जो है रिस्टोर हो जाएगा, मतलब फिर से ओपन हो जाएगा आपका ट्विटर अकाउंट। 30 दिन तक आपको ओपन नहीं करना है यहाँ पर जो बता रहा है, अगर 30 दिन तक आप अपना ट्विटर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे उसके बाद फिर आपका परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, फिर आपको ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फिर लगता है कि मैंने ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गलती से या हो गया डिलीट नहीं करना चाहिए था, उसमें कुछ मेरा था डाटा वाटा, तो इस पर फिर आपको मतलब 30 दिन के अंदर उसको आप लॉगिन कर देंगे, हो जाएगा। अभी मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे ऐसे करने के बाद देखेंगे नीचे डीएक्टिवेट आ रहा है, तो डीएक्टिवेट पर जैसे क्लिक करेंगे हम नीचे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड अपना डालने के लिए आएगा। डीएक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड डालने के लिए आएगा, तो पासवर्ड चलिए अपना हमें डाल देते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल चुके हैं, जो है कि पासवर्ड आपको यहाँ पर अपना डाल देना है आपको भी डीएक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद। दोस्तों जैसा जैसा मैं बताता हूँ बस ऐसा आप करते जाइए, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड डालने के बाद नीचे आ रहा है डीएक्टिवेट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये देखेंगे, तो हमें डीएक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। डीएक्टिवेट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आ रहा है डीएक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ पर कैंसिल और यस का आ रहा है, यस डीएक्टिवेट, तो हमें यस पर क्लिक कर देना है, यस वाले पर हमें डिलीट करना है ना, तो यस डीएक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। यस डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर जो है कि योर अकाउंट इज़ डीएक्टिवेटेड, सॉरी टू दिस यू, मतलब गुड बाय, गुड बाय बोल रहा है, मतलब हमारा अकाउंट जो है कि डिलीट हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है। और दोस्तों इस पर गो इट कर देते हैं, देखिए हमारा जो है कि यहाँ से जो है कि बाहर निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये डीएक्टिवेट करने का सबसे सिंपल तरीका था, और आपको जो मतलब कि इसका बताया है कि 30 दिन के अंदर अगर आप लॉग इन कर देंगे तो आपका अकाउंट फिर से रिकवर हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। तो रिकवर होने के बाद अभी देखिए, अगर मैंने फिर से मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पर लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने को देखिए मैं आईडी मतलब आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं, फिर आपको आगे प्रोसेस दिखाते हैं।
देखिए आप मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल चुका है, फिर से आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे आ रहा है री एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप 30 दिन के अंदर अपना अकाउंट फिर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे यस री एक्टिवेट नीचे आ रहा है। अगर आपको अपना फिर से लॉगिन मतलब री एक्टिवेट करना है, डिलीट नहीं करना है, तो यस री एक्टिवेट पर क्लिक कर दीजिए। अगर डिलीट करना है तो कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। मतलब अगर आप ऐसे डिलीट तो हो चुका है हमारा अकाउंट, ये मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप 30 दिन के अंदर लॉगिन कर देते हैं तो ऐसा ऑप्शन आपके अंदर फिर आएगा। कैंसिल कर देंगे तो देखिए हट जाएगा। यही सबसे सिंपल तरीका था डिलीट करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।